बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि सेल क्या है. एग्जैक्टली ये है, ये फर्जी का पहला चैप्टर है. ये पहला चैप्टर कहीं से नहीं बनता है, क्योंकि इस अच्छा बताओ पूरी ह्यूमन फिजियो खत्म हो गई, कहीं सेल का जिक्र आया नहीं. एनिमल किंगडम तक पहुंच गए, उधर दो यूनिट आ गया. हाँ अच्छा, सेल वर्ल्ड तो अरे हद हो गई यार, सेल वर्ल्ड आएगा, लेकिन सेल का क्या डिटेल में कोई जिक्र आया? नहीं आया. और अभी भी ना पढ़ाओ ना, यहाँ पर भी ना पढ़ाओ और पूरी बायो खत्म कर दो और सबसे लास्ट में सेल पढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं. दिस चैप्टर, ये चैप्टर कहीं से कनेक्ट है ही नहीं. ये एक मिथ चला आ रहा है, समझिएगा मेरी बात. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़माने से चलती आ रही होती है, हम उस पर सवाल उठाना ही बंद कर देते हैं. ओल्ड बिलीव्स डाइज हार्ड, जो पुरानी मानसिकता होती है वो आसानी से ख़त्म नहीं होती. तो ऑल द यूट्यूबियंस, सेल पहले मत पढ़ाया कीजिए, सबसे पहले पढ़ाइए ह्यूमन फिजियोलॉजी. पहले कठिन वाला निपटाओ, लॉलीपॉप देके एडमिशन ले लो, सेल पढ़ाकर बच्चे के लगे हाँ सब आ रहा, बड़ा मजा आ रहा है. और ह्यूमन फिजियो प्लांट फिजियो आखिरी में लाओ, जहाँ पर पता चल जाएगा बच्चे को गड़बड़ हो गया. इसीलिए सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? कठिन वाला आओ सीखिएगा. कहते हैं बस सुनना बेटा, टोटल 4.5 लेक्चर का सेल है, कुछ नहीं है चैप्टर में, बहुत सरल. सुनते जाइएगा मेरी एक एक बात, समझते जाइएगा और पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन रखिए प्लीज. कहते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो. क्या बोला दोबारा सुनिएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा. अरे यार ये कौन सा डेट है आज? डेट क्या है? 11 सितंबर. लगभग 10 अक्टूबर तक आपकी 11th एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी. 10 अक्टूबर और 12th लेती है टोटल 90 दिन. 12th बहुत कम होती है ना, 11th बहुत हैवी है. 12th लेती है आपकी 90 दिन. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार आपको मैराथन में मिलेगा समय ज्यादा. बोलो भैया, सुनिएगा. कहते हैं बस सुनते जाओ, कथा है ये कथा. कहते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी बॉडी या तो सेल की बनी है, और अगर सेल के अलावा कुछ भी पाया गया तो 100% वो किसने बनाया? सेल ने. बोलो हम नहीं मानते. मान लो आप लोग मुझे इस कमरे में बंद करके चले गए रात में, गुस्सा थे तुम लोग, मेरा फोन भी ले लिए, अब मैं किसे बुलाऊं? और सुबह तुमने आया और सुबह तुम देखते हो कि यहाँ पर सूसू पड़ी है. हट जाओ, थोड़ा हट जाओ. बताओ वो किसने की? कैसे बता? क्योंकि सिर्फ आप ही थे इस कमरे में, तो उसी उसका मतलब हुआ कि सेल के भाई पूरी बॉडी में सेल ही सेल, तरह तरह की सेल है, नाना प्रकार की सेल है. कितने प्रकार की बिटिया? हाँ, नाना प्रकार की सेल है. अब नाना प्रकार की सेल है और इसका मतलब सेल के अलावा कुछ भी पाया गया किसने बनाया? सेल ने. ईयर वैक्स किसने बनाया? सेल ने. आंखों में आंसू किसने बनाया? सेल ने. मुंह में थूक किसने बनाया? सेल ने. डाइजेस्टिव एंजाइम किसने बनाया? सेल ने. पसीना किसने बनाया? सेल ने. सेल के अलावा कुछ भी किसने बनाया? सेल ने. दो सेल के बीच में जो पानी मौजूद है वो किसने किया? सेल ने. एवरीथिंग, हर चीज आपकी कौन कर रही है? सेल. अब सुनिएगा मेरी बात. कहते हैं एक साइंटिस्ट था, नाम था रॉबर्ट हुक. उसके बारे में आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लोअर एनसीईआरटी ने उसका जिक्र किया है, हायर ने नहीं किया, इस वजह से मुझे पढ़ाना पड़ेगा. रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे. सुनना बेटा मेरी बात बहुत मन से. रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे. वो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का गुटका ले लिया. लकड़ी के गुटके को अंग्रेजी में कॉर्क कहा जाता है. एक लकड़ी का गुटका ले लिया और उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने लगे. जिसे वो माइक्रोस्कोप कहते हैं वो एक्चुअली में लेंस था, एक सिंपल लेंस था. लेंस भी एक तरीके का माइक्रोस्कोप ही है. जब पहले मैं पढ़ाता था, अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, तुम लोग को नहीं पढ़ाता, किसी और बैच को पढ़ाता हूँ, माइक्रोस्कोप ही डिटेल में पढ़ाता हूँ. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपका क्या नाम है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नाना प्रकार के माइक्रोस्कोप तो बहुत नए नए आ गए. तो कहते हैं रॉबर्ट हुक ने एक लेंस उठाया, तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका लेंस भी आता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका लेंस आता है. उन्होंने लेंस के माध्यम से उस कॉर्क के गुटके को देखा
तो उन्होंने जब देखा तो उन्हें जो स्ट्रक्चर आपके सामने बन रही है उन्हें बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह ऐसे हेक्सागोनल कमरे दिखे। क्या दिखे? कमरे, हेक्सागोनल कमरे दिखे। मधुमक्खी का छत्ता भी कैसा होता है बेटा? हेक्सागोनल। सुनते जाइएगा, मधुमक्खी का छत्ता भी कैसा होता है? हेक्सागोनल। अब इसी स्ट्रक्चर को रिपीट करते जाओ। तो उन्होंने देखा कि उस कॉर्क के गुटके में, उन्हें ये बात पता थी कॉर्क का गुटका किसका है? प्लांट का। उन्होंने इन कमरों को कह दिया सेलुला। सेलुला का मतलब होता है खाली कमरा। वही सेलुला को आप लोग बाद में क्या बोलने लगे? सेल। समझिएगा मेरी बात, उन्होंने इस खाली कमरे को क्या बोला? सेलुला। क्योंकि सेलुला का मतलब ही होता है खाली कमरा, सेल नहीं होता। यही तो बात है, सेलुला को आप सेल बोल देते हो आज। एक्चुअली में इन्होंने सेल देखा ही नहीं था। कॉर्क लकड़ी का वो गुटका कॉर्क लकड़ी का वो गुटका होता है जो डेड होता है। डेड है मतलब सेल के अंदर का माल सूख गया होगा। बोलते ही नहीं हो यार, सेल के अंदर का माल सूख गया तो जिसे तुम आज सेल कहते हो क्या ये सेल है? ना। ये एग्जैक्टली क्या था उस समय जब उन्होंने वो लकड़ी का पीस उठाया, तो जो लकड़ी का पीस था उन्होंने जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो एक्चुअली में वो डेड था। क्योंकि कॉर्क क्या होता है? कॉर्क पहले पढ़ाते थे हम लोग, फेल्लम फेल्लोजन फेल्लोडम, तो ये सारी चीजें बताते थे, तो वहां पर कॉर्क का जिक्र आता था। कॉर्क जो होता है वो आपका डेड होता है। अब अगर कॉर्क डेड है इसका मतलब है कि अंदर का माल सूख गया, सेल का पूरा साइटोप्लाज्म सूख गया। प्लीज सुनिए अच्छे से, मन से सुनिएगा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या एक्चुअली में देखा? रॉबर्ट हुक ने आज वाली सेल नहीं देखी, उन्होंने सेल वॉल देखी। क्योंकि अंदर का माल तो सूख गया लेकिन प्लांट में सेल वॉल होती है मजबूत, बनी होती सेलुलोज की। तो उन्होंने एक्चुअली में सेल वॉल देखी और उन कमरों को बोल दिया सेलुला, जिसे आज हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सेल। इसका मतलब आज की सेल जो है वो खाली कमरा तो नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी माल भरा हुआ है। न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, बोलो बेटा, पानी भरा हुआ है। तो एग्जैक्टली उन्होंने आज वाली सेल को सेल नहीं कहा था, उन्होंने इन कमरों को सेल कहा था। सेलुला या सेल का मतलब खाली कमरा। और बेटा कभी भी कोई नाम अगर आपको गुमराह कर रहा है, मान लो नाम है राम और हरकतें रावण जैसी, नाम है राम और हरकतें रावण जैसी, तो ऐसे नाम को कहा जाएगा मिस्लुमर। मिस्लुमर कहने का मतलब जब नाम कुछ और कह रहा हो और वो चीज़ कुछ और हो। तो आज का सेल जो है, तुम सेल बोल दो मुंह खोल खोल के, लेकिन सच्चाई ये है कि सेल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? खाली कमरा। एकदम क्लियर? लिखिएगा। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को लेंस से देखा, माइक्रोस्कोप लिख दो थोड़ा अच्छा लगे, और बताओ कैसा टीचर है ना, हेडिंग डालता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इतनी बातें कर गया। लिखो, लिखा? और नहीं, अगर मैं फिजिक्स भी पढ़ाता तो मैं लिखता बहुत कम, सिर्फ सोचवाता। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, और हिंदी वाला और लिखा। उन्हें हनीकॉम्ब जैसे, COMB, हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता, स्ट्रक्चर दिखाई दिया। प्रत्येक कंपार्टमेंट को उन्होंने सेलुला कहा, जिसे आज हम सेल नाम से जानते हैं। एक्चुअली में उन्होंने सेल वॉल देखी थी, लिखना है, एक्चुअली में उन्होंने सेल वॉल देखी थी। सो टर्म सेल इज अ मिस्नोमर, टर्म सेल इज अ मिस्नोमर, MISNOMER। सो टर्म सेल इज अ मिस्नोमर। पहली बार सेल किसने देखा? रॉबर्ट हुक। ब्राउन नहीं बेटा, हुक हो गया। फर्स्ट लाइव सेल, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइव सेल, लाइव मतलब मुर्दा। अरे वाओ, कितनी अच्छी इंग्लिश है आपकी। ओके, फर्स्ट लाइव सेल डैश एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर स्पेलिंग पूछनी हो तो वॉन लिख लो, VON एंटोन, ANTON एंटोन। फर्स्ट लाइव सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ANTON एंटोन, VON वॉन ल्यूवेनहॉक, LEU
WENHOEK। अब एक बार बनाए थे इतनी मुश्किल से डिस्टर्ब कर दिए। लिख लिया ल्यूवेनहॉक LEUW, बस हो गया। हॉक को एच करके ऐसे कर दूँ, आंतों में के दिखा दूँ, ल्यूवेनहॉक हो गया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, सर 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 एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये पता नहीं रोज लेट क्यों हो जाते हो बेटा। हाँ घर दूर है तो उसी हिसाब से टाइम मैनेज करके आना चाहिए, नहीं हाँ? लेट से आने पे आप अटेंशन सीकर नहीं चूतिया कहलाते हैं। लिखे गया एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इतना ठीक था, इतना ठीक था, चलेगा ठीक है। अच्छा लिखो अगला न्यूक्लियस डैश रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस डैश रॉबर्ट रेड या ब्राउन। अच्छा अच्छा विदेशों के नाम बड़े अच्छे लगते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, माइकल कॉलिंस। मोहन, चंपा लिखो, प्रियंका लिखो, लिखो बेटा अगला। बोले ब्रैकेट में 1831, ब्रैकेट में 1831, 1831। आप सुनो हमारी अगली बार, देखो इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो जब माइक्रोस्कोप कम डेवलप हुआ था तो सीधी बात है सेल बायोलॉजी भी कम डेवलप रही होगी, क्योंकि सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जब माइक्रोस्कोप और डेवलप हुआ फिर आया वो सस्ता वाला माइक्रोस्कोप, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इधर 40-50 लाख में आ जाएगा। सुनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आज तक कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैंडल किया है, कभी नहीं हैंडल किया है। ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप लोग उसको सोचते हो, उसमें सब कुछ स्क्रीन पे होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ताजुब की बात बताऊँ, वो इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज़ करता है। हाँ अभी तक हम प्रोटॉन समझ रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 10 लाख x है मिनिमम, सबसे सड़े वाले की बात कर रहा हूँ, समझ में, मतलब वो सस्ता वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, गरीब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप कैटरीना की फोटो को एक बार टच करते हैं, क्या करते हैं, टच, तो जूम होती है, आप जूम करके देखते हैं ना, लेकिन थोड़ी देर बाद बदलते हैं। तो अब एक बार जब आप क्लिक करते हैं तो जितना जूम होता है वो 2x है, जब दो बार क्लिक करते हैं तो वो 3x है, तीन बार करेंगे तो 4x है, और 5x के बाद कैटरीना का एक एक यहां पर मूंछ दाढ़ी सब दिखने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10 लाख x तक जाता है, 10 लाख x। वो एक प्रोटीन दिखा देगा तुम्हें, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अभी एक प्रोटीन आएगी, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 10 लाख x है, सोचिए जरा 10 लाख x, हल्का फुल्का हुआ कि भयंकर हुआ। अभी एक MBBS स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप निकाला है, बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है, उसका मैग्निफिकेशन लगभग 45 लाख x है। MBBS स्टूडेंट है वो, जरूरी नहीं हर MBBS में करने वाला वहां जाके टाइम पास करता हो, ठीक है, कुछ होते हैं बिरले अलग यूनिक। एक स्टूडेंट था IIT कानपुर में, उसने माइक्रोस्कोप बनाया था, स्टूडेंट था मेरा, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट, उसने माइक्रोस्कोप का लेंस बनाया था क्रैब के एक्सक्रीटा से, क्रैब के एक्सक्रीटा से, कीमत मात्र 7 रुपये, मैग्निफिकेशन 10,000x, सोचिए। तो आप लोगों के पास विभिन्न अवसर हैं, अगर आप उन अवसरों का इस्तेमाल करना चाहें तो दिन भर में आपके पास 500 आइडिया आता होगा। क्या न्यूटन के सामने ही एप्पल गिरा था क्या पे, कि न्यूटन ने कहा अरे एप्पल नीचे गिर रहा, उससे पहले भी सबने चीज़ों को नीचे गिरते देखा, नोटिस किसने किया, दैट मैटर्स। नहीं समझे बात को, बोलो यार, कल मैं रात में बैठे बैठे ऐसे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, शूज़ के नीचे, शूज़ का सोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर लिया, शूज़ का सोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर लो, और आयरन के ऊपर चल रहा था, ठीक है, तो मुझे अपना वेट, और बिल्कुल कैलकुलेटेड था वो, तो मुझे अपना वेट मैं फील करना चाहता था कि अगर अर्थ का मास डबल हो जाए तो कैसा फील होगा। और तभी मैंने नोटिस किया,
मैंने कहा अगर ये सेम काम स्पेसशिप पे कर दो, क्योंकि ग्रेविटेशन ऊपर है नहीं, और जब ग्रेविटेशन ऊपर नहीं है तो वहाँ पर भाई आपको मासलेस फील होता है, आप चलते हो नहीं, हड्डियों का मास कमज़ोर हो जाती है, तो एस्ट्रोनॉट जब आता है तो चल कहाँ पाता है, सहारे से चलता है। तो अगर वहाँ पर फर्श पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर दो फर्श, और सोल्स के नीचे सोल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना दो 9.8 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर का कैलकुलेट करके उतना ही फोर्स जनरेट कर दो, तो वो ग्रेविटेशन फील करेगा। अभी मैंने सोचा है, अभी इस पर काम करना बाकी है। तो ऐसे आपके पास भी तमाम आइडियाज़ आते हैं, जब आया करें मुझे बता दिया करो, तुम नहीं करोगे मैं कर लूँगा उस काम को। अब सुनो, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, इन बातों को बहुत सीरियस लिया करो। तुम नॉर्मल नहीं हो, मैं बता रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी नस्ल हो, मुझसे तो 10 गुना बेहतर हो, 10 नहीं बेटा, हाँ 10 साल तो छोटे हो गए, 10 गुना बेहतर नस्ल हो, बस तुम में से कुछ चूती है जिनका काम क्या है, क्लास को हंसाना, दे आर इंटरटेनमेंट फैक्टर्स, क्या है वो, इंटरटेनमेंट, और उनका भी होना ज़रूरी है ताकि मेरा भी मन लगा रहे क्लास में। अब सब पढ़ने वाले आ जाओगे तो मज़ा कहाँ आएगा। तो अब मेरी बात सुनना, अब देखो क्लास अपने आप साइलेंट हो गई क्योंकि सब अब बताना चाहते हैं कि मैं नहीं हूँ सर जो आप समझ रहे हैं। अब सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कनेक्टेड है साइटोलॉजी, क्योंकि भाई सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ऑल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड विद माइक्रोस्कोपी, इधर माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट होगा उधर साइटोलॉजी में अपने आप एडवांसमेंट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि साइटोलॉजी में एडवांसमेंट होगा तो माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट होगा। अरे माइक्रोस्कोप पर सेल बायोलॉजी डिपेंडेंट है, सेल बायोलॉजी हाँ माइक्रोस्कोपी सेल बायोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो लेंस का खेल है। बोलो यार, तो कहते हैं विद द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी सेल बायोलॉजी फ्लरिश कर गई। अगर यहीं पर मैं ये बोल दूंगा कि सेल बायोलॉजी के फ्लरिश करने से माइक्रोस्कोपी फ्लरिश कर गई तो बेवकूफी वाली बात हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो माइक्रोस्कोपी का एडवांसमेंट हुआ तो सेल बायोलॉजी पीछे पीछे बढ़ती रही, माइक्रोस्कोपी आगे आगे सेल बायोलॉजी पीछे पीछे। बोलो यार, अब बेटा क्या हुआ, सन आता है 1838, 1838 पहला वैज्ञानिक आपके सामने आ रहा है, ये पहला वाला ही थोड़ा दिमागी था बाकी सब चोर थे। 1838 ऊपर 1838 में पहला साइंटिस्ट आता है, नाम में इसके आईएस आता है लेकिन ये आईएस था नहीं बेटा, मैथाइस शील्डन, समझना बेटा, मैथाइस शील्डन ये पहला साइंटिस्ट आता है, बहुत अच्छे से समझना। जर्मनी में सबसे ज्यादा आपको पता है कौन सी ब्रांच मेडिकल की हिट है, होम्योपैथी। जर्मनी में एलोपैथी की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती, जर्मन्स होम्योपैथी को बहुत लाइक करते हैं। इसकी प्रमुख वजह यह है कि जो आपके हैनीमैन जो फादर ऑफ होम्योपैथी हैं वो जर्मनी थे, ठीक है, और वहीं से होम्योपैथी विकसित हुई, तो आज भी वहाँ पर जर्मनी में होम्योपैथिक डॉक्टर की होती है, ठीक है। हमारे यहाँ भले होम्योपैथिक डॉक्टर को आप हल्के में ले लेते हो, फैक्ट ये जितने भी समझदार लोग होते हैं ना वो इलाज सिर्फ होम्योपैथी कर लेते हैं, एलोपैथी नहीं छूते। वो हमारे यहाँ होम्योपैथी को नीचे दिया जाता है, पहले मिलता है MBBS, फिर मिलता है BAMS, अब तो भाई BAMS MBBS लगभग बराबर हो गए, ठीक है, फिर मिलता है BUMS, फिर जाकर मिलता है आपका BHMS सबसे लास्ट में, और सच्चाई है फॉरेंस में सबसे ज़्यादा वैल्यू है BHMS की, BHMS होम्योपैथी वाले की। अर्थ समझना मेरी बात, मैक्सिमम होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट से ली जाती, बेहद नेचुरल पैथी है, मैक्सिमम होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट से ली जाती है। हैनीमैन जर्मनी का था, मैक्सिमम होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट से ली जाती है, ये सब कहीं किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ये अलग अलग किताबों के ज्ञान को मिलाया गया है, रिलेट किया गया है। हैनीमैन होम्योपैथी का, होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट से, मतलब जर्मनी वाले प्लांट पर बहुत काम किए होंगे। तो दुनिया के जितने भी प्रोमिनेंट बॉटनिस्ट हैं, प्रोमिनेंट मतलब प्रख्यात, वो मैक्सिमम आपके कहाँ के मिलेंगे आपको, जर्मनी। पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस में जूलियन वॉन सैच, ये भी आपके कहाँ के थे, जर्मनी। हैनी ये शील्डन इन्होंने प्लांट पे काम किया, तो बताओ ये कहां से बिलोंग करते होंगे, जर्मनी। मैक्सिमम रटना नहीं होता है, जर्मनी, जर्मन बॉटनिस्ट थे, समझिएगा मेरी बात।
1838 की बात चल रही है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैंने बहुत सारे प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया और मैंने ये पाया कि जितने भी प्लांट हैं वो सबके सब सेल के बने हुए हैं, और सेल के अलावा कुछ भी है तो किसने पैदा किया, सेल ने, और सेल मिलकर बनाती है टिश्यू। इन्होंने दो बात कही, फिर सुनिए मेरी बात, कुछ मत लिखिए। इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स, देखिएगा इनकी थ्योरी देखिएगा, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल्स प्रोडक्ट, अर्थात सेल का बना हुआ माल। जितने भी प्लांट हैं वो सब के सब या तो सेल के बने होंगे, या अगर सेल के अलावा कुछ होगा तो प्रोडक्ट ऑफ सेल होगा। इनकी थ्योरी आई दिसंबर 1838 में, जनवरी 1839 में एक अगला वैज्ञानिक आ गया। तो क्या एक साल का अंतर हुआ कि लगभग एक महीने का, एक महीने का। एक बड़ा थका हुआ जोक होता है, 31 दिसंबर में बोलते हैं चलो अब अगले साल मिलते हैं, जो थका हुआ सस्ते जोक नहीं होते, जो वो एक चलाते हैं चलो अब अगले साल मिलते हैं, ताकि बोले अगले साल क्यों, कहीं जा रहे हो क्या। दिसंबर 38 में इनकी थ्योरी आई, जनवरी 1839 में अगले की थ्योरी आई। एनसीईआरटी ने दिसंबर जनवरी कुछ नहीं बोला, लिख दिया एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग उसी समय पर। एक महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा अंतर थोड़ी माना जाता है। अगला साइंटिस्ट आया, उनका नाम था थियोडर स्वान। ये बताओ स्वान जो है, स्वान मतलब क्या होता है, क्या कूड़ा, हंस। हंस बॉटनी में पढ़ोगे कि जूलॉजी में, जूलॉजी। ये आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट होने के साथ साथ ये एक नंबर के चोर भी थे। पूछिए कैसे, इन्होंने ऊपर वाले की थ्योरी उठाई, कट कॉपी पेस्ट मारी, कहा ऑल प्लांट ही नहीं, ऑल प्लांट एंड एनिमल अंदर रे मोर माय रे। हम होते तो और तगड़ी थ्योरी देते, ऑल प्लांट बैगन कद्दू टिंडा करेला। ये तो बदतमीजी की बात है। पहले वाले ने कह दिया ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, दूसरा कह रहा ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। स्वान ने थोड़े और काम भी किए थे, जूलॉजिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने बॉटनी में भी काम किया था। इन्होंने क्या कहा था कि प्लांट की सेल का एक यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट। और इन्होंने तीन बातें कही थी, मैंने एक बात कही आपसे, अभी जिक्र आपसे एक बात का हुआ, अभी बातें हैं और होंगी। इन्होंने कहा पहला बात ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, दूसरा बात जो इन्होंने कहा वो इन्होंने कहा कि प्लांट सेल का यूनिक फीचर क्या है, सेल वॉल। लेकिन आज हमें पता है कि यह बात गलत है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट के पास ही नहीं है, सेल वॉल फंजाई के पास, एनिमल नहीं होता भैया, सेल वॉल जो है वो फंजाई के पास भी है, सेल वॉल डाइएटम्स के पास भी है, सेल वॉल डाइनो फ्लैजिलेट्स के पास भी है, बोलो यार, सेल वॉल बैक्टीरिया के पास भी है। आज के लिए बात सही नहीं, तब के लिए उन्होंने बात की, बहुत बड़ी बात है। ऑल प्लांट सेल के पास जो सबसे बाहर लेयर होगी वो क्या होगी, सेल वॉल। इन्होंने एनिमल की सेल देखी, कौन से मल की, एनिमल। इन्होंने जब एनिमल की सेल देखी तो उन्होंने देखा एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, बेहद बाहर एक पतली सी बाउंड्री है। तुम लोग समझ रहे हो किस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हो, रेगुलर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा प्लांट के पास सबसे बाहर सेल वॉल होगी, एनिमल में एक पतली सी मैंने बाउंड्री देखी, लेकिन उन्होंने नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिया, ये बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। स्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया, इन्होंने बस इतना कहा कि एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ एक पतली लेयर मुझे दिखी, बाद में हम उसे क्या बोलने लगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आखिरी वैज्ञानिक आता है 1855, नाम था रुडोल्फ विर्को, उम्र 55 की और काम 55 का। 55 की उम्र में ये सेल का रिप्रोडक्शन बता रहे थे, ये बता रहे थे कि नई सेल बनती कैसे है। प्लीज मेरी बात सुनना, इन्होंने ये नहीं बताया था कि धरती पर पहली सेल कैसे बनी, ये एवोल्यूशन पे काम नहीं कर रहे थे रुडोल्फ विर्को। फिर सुनो दो बातें हैं, एक पहली सेल कैसे बनी और एक नई सेल कैसे बनती है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली सेल कैसे बनी वो तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है, आपकी
ये हेल्डन की थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। हेल्डन की वहाँ पर एक थ्योरी आएगी, वहाँ पर ओपरेन और हेल्डन की, फिर यूरे का एक्सपेरिमेंट, वो सारी बातें वहाँ पर होंगी। विरको ने ये नहीं बताया, देखो ये चैप्टर पता है, चैप्टर है तो सरल, पर अगर इसमें फंसाने पे आ जाए ना तो बहुत जगह ऐसे, बहुत पॉइंट ऐसे कि आप फंस जाओ। जैसे हम लोग समझने लगते हैं कि स्वान ने कह दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया, गलत। स्वान ने बस इतना कहा था एक पतली बाउंड्री है, विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा, उन्होंने नहीं बोला विच इज टुडे, एनसीईआरटी लिख गई कि जिसे आज हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विरको आते हैं, विरको कहते हैं कि पहली सेल कैसे बनी, कि नई सेल, नई सेल इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ समझना, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब नई सेल को पुरानी सेल बनाएगी, अर्थात पुरानी सेल डिवाइड होगी तब नई सेल बनेगी। ये बेटा आपको कितने लोगों को लग रहा है कि स्वान चोर था इतनी बातों से, इनकी थ्योरी तुम्हें नहीं लग रहा कॉपी मारा, ये लग रहा है नहीं लग रहा है बेटा, ये अगर चोर था तो ये महाचोर था, पूछो इसने क्या खेला, इतना बदतमीज था कैन प्लांट एनिमल काटो, कैन हम कहेंगे ऑल लिविंग एक कहन प्लांट, एक कहन एनिमल, एक कहन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे दुष्ट इसमें विरको था, साला किसी अगले को मौका ही नहीं दे रहे, फंजाई बोल देते, अगला आके मोनेरा बोल देता, एक प्रोटिस्टा बोल देता, दो का नाम और आ जाता, लेकिन ऐसे लोगों को चोर कहा जाता है। इन्होंने सबका पत्ता साफ कर दिया, इन्होंने कह दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया, क्लियर हो तो हाँ बोल दीजिए। अच्छा इसे लिख लिया है, प्लीज इसको पेन डाउन कीजिए, पेन डाउन का मतलब पेन डाउन नहीं करना है, लिखना है। देखो ही स्टडीड प्लांट, कौन ही है, हाँ ही स्टडीड प्लांट एंड सेड डैश डबल इनवर्टेड कॉमा सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, ही स्टडीड प्लांट्स एंड सेड सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, राइट राइट बेटे, ओके बेटे, अगला लिखो बेटे, ही स्टडीड, लिखो कहाँ के हो तुम, लखनऊ के हो, अरे वाह, लखनऊ में कहाँ से हो, गौतम टेढ़ी पुलिया, तो चलते कैसे हो टेढ़ी पुलिया पे, ये भैया टेढ़ी पुलिया से हैं लड़को, ये टेढ़ी पुलिया से हैं। लिखो ही स्टडीड एनिमल्स एंड सेड सेल इज कवर्ड बाय आउटर थिन बाउंड्री, सेल इज कवर्ड बाय आउटर थिन बाउंड्री, आइडियल मतलब टिपिकल डैश ओनियन पील सेल, अरे आप कैसे लेक्चर रोके हुए थे आप आ रही हैं, ओनियन पील सेल नागर भे, ओनियन पील सेल हो गया, ओनियन पील सेल, ओनियन मतलब प्याज, ओनियन पील पी डबल ई एल, ओनियन पील सेल हो गया। ए, कौन वो तुम आई थी ना खड़ी जरा, तुम्हारे बायो में कितने थे, 80, हाँ क्या बोल रही, 80 टोटल कितने थे, 587 थे ना, अच्छा 82 बायो, हाँ ठीक तब पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ने की जरूरत है, वही मैं लगा बायो क्लास भैया वो तब मत कीजिए अगर आपका 88-89 सही हुआ, पहले ही बता दे रहे हैं, चुपचाप आइए मैराथन कीजिए आपका काम निकल जाएगा, समझ गए बात को, अगर आपके 88-89 सही हैं तो आप अंत में आइएगा, और अब हर साल का ये रहेगा, जनवरी में सिलेबस ख़त्म होगा, 3 महीने से मैराथन ही चलेगी, फीस वीस में कोई कंसेशन कुछ नहीं होगा, अगर 88-89 इस टाइप का सही है तो बायो का क्लास करने का कोई मतलब नहीं होता है, केमिस्ट्री में चाहे 45 ही सही हो, फिजिक्स में 45-45 सही हो, लेकिन तब भी आपको करनी चाहिए क्लास, समझ पाए बात को,
ये बात हमारी भूलिएगा नहीं, तभी आप अच्छा कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो। अब बस सबसे बड़ी बुराई क्या है, बायोलॉजी एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है सबको आता है पर गलत पता नहीं कहाँ से हो जाता है। लिखो, टिपिकल एनिमल सेल, टिपिकल एनिमल सेल। प्लांट लिख लिया ना, तो अब एनिमल लिख लो। ओनियन पील समझती हो, प्याज पे जो, हाँ मैं तो नीचे वाली समझ रहा था, कच्ची बस बोलना है, ऊपर वाली लेयर होती है। टिपिकल, देख रही हो प्रियंका, देख रही हो, टिपिकल एनिमल सेल डैश हो गया। ह्यूमन कैटरीना चीक सेल, अरे ह्यूमन चीक सेल हमारे गालों की सेल। एक्सपेरिमेंट किया होगा गाल को, खरुश के सेल निकाला होगा, किया होगा आपने ही, गाल खरुशा था ना बेटा, गाल जो है नहीं, गाल खरुश के निकालते हैं ना, तो अपना ही गाल खरुशा था ना बेटा, हो गया करा भैया। लिखो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, इसके बाद पढ़ना मत एनसीईआरटी। मेन एरिना, बकवास लिखी पूरी इतनी लंबी, मेन एरिना, एरिना मतलब जगह, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी अर्थात मेटाबॉलिक रिएक्शन मेनली चल कहां रही है, डैश साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये बताओ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट किसके पास न्यूक्लियस होगा, क्या? बहुत अच्छे बेटा, हो गया भैया, हो गया साइटोप्लाज्म लिख लिया, ब्रैकेट लिखो साइटोप्लाज्म के। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेल का मेन वॉल्यूम कौन घेरता है, साइटोप्लाज्म, सबसे ज्यादा यही होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स, ऊपर बोर्ड की तरफ देखिएगा, आइए देखो दो तरीके की सेल होती है, एक कहलाती है प्रोकैरियोट और एक कहलाती है यूकैरियोट। डीएनए दोनों में होगा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट। अगर डीएनए नहीं होगा तो क्या सेल कंट्रोल में रहेगी क्या? नहीं, डीएनए ही तो मेन है सेल का भैया। अब सुनो, मैंने कहा था मोनेरा आपके प्रोकैरियोट, बाकी जितने बचे वो सब के सब क्या है, यूकैरियोट। लेट अस सपोज ये आपकी एक यूकैरियोटिक सेल है, ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर न्यूक्लियस के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो, जहां पर दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई, अरे जहां पर दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई, जहां पर दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई, आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई, वहीं पर ये छेद बन जाता है, और छेद को क्या बोलोगे, न्यूक्लियर पोर। इसी के अंदर आपका डीएनए रखा हुआ है और नाना प्रकार की केमिकल रिएक्शन पूरे साइटोप्लाज्म में चल रही है ताकि सेल लिविंग स्टेट में अर्थात जिंदा बनी रहे। अगर ये केमिकल रिएक्शन चलना रुक जाए तो बताओ सेल जिंदा रहेगी या मर जाएगी? मर जाएगी। जब न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो न्यूक्लियस देखने में बिल्कुल काले धब्बे की तरह है। कैसे बेटा, मुझे क्या देख रहा है? न्यूक्लियस देखने में बिल्कुल एक काला धब्बा है, अर्थात कहते हैं न्यूक्लियस इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ज्यादा अच्छा होगा मैं बोलूं न्यूक्लियस इज डेंस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जहां पर दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई, वहीं पर जो पोर बना वो कहलाएगा न्यूक्लियर पोर। यहां तक बात क्लियर है भैया? सुनते जाना एक एक बात को, महीन बात बोल के निकल जाऊंगा। अब सुनो, न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन बाउंड सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं है, अरे यूकैरियोट के पास, अच्छा प्रोकैरियोट में पता क्या होता है, ये मेम्ब्रेन हटा दो प्रोकैरियोट, अगर मेम्ब्रेन है तो क्या हो जाएगा, यूकैरियोट। सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं है बल्कि यूकैरियोट्स में राइबोसोम भी है। राइबोसोम पर मेम्ब्रेन नहीं होती, अच्छे से सुन लेना, राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब राइबोसोम हो गया, अब मेम्ब्रेन वालों का नाम ले रहा हूं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम सुना बच्चे का, किसका बच्चा है, गॉल्जी बॉडी, वैक्यूल कॉन्क्यूल वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर मान लीजिए प्लांट की सेल है
तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ किलोरो पिला किलोरो किलोरो एकदम क्लियर है वाली बात। ऐसे नाना प्रकार के सेल ऑर्गेनेल है। अब बात करते हैं राइबोसोम पर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 1953 में एक साइंटिस्ट थे, 1953 ये वही समय है जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आया था, याद आया? 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल आया था। 1953 में भारत को आजाद हुए 6 साल हो गया था। अरे भाई 47 से 53 बोलो भाई। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। उसको कैसे पता? कार्यकाल 5 साल का, तो अगला 5 फिर वो जीते थे। अब समझो मेरी बात। और 1953 में ही मेरा राइबोसोम खोजा गया। वैज्ञानिक का नाम पढ़िए, मैं कहता हूँ इंग्लिश नेम बहुत अच्छे होते हैं, जैसे थियोडोर बोवरी, नाम ही नहीं सुना। अच्छा अभी थियोडोर स्वान को देख ही लिया है, मैथायस शील्डन, रुडोल्फ विर्को। लेकिन कुछ अंग्रेजी नाम बड़े खराब भी होते हैं, जैसे जॉर्ज पेलेट। ये कोई नाम है यार? जॉर्ज पेलेट ने 1953 में राइबोसोम की खोज करी। बेहद छोटे दानेदार, अगर छोटे की बात करो तो मैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल का दर्जा दूंगा राइबोसोम को। इससे छोटा सेल ऑर्गेनेल कोई होता ही नहीं है। राइबोसोम जो होता है, प्लीज अच्छे से सुनिएगा, जॉर्ज पेलेट ने 1953 में खोजा, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम आपका प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी है। मेरी बात समझना, एग्जाम में पूछेगा कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कॉमन है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में होगा, चाहे सेल प्रो हो चाहे सेल यू हो। फर्क इतना होगा कि कौन वाला, क्या बोला, कौन वाला 70s किसमें, प्रो या यू? दोनों में। सेल में है ही क्या? सेल कोई चैप्टर होता है क्या? बेकार। सेल असरों राइबोसोम दोनों में, 70s वाला, 80 वाला यू में। 70 वाला यूनिकनेस नहीं है, 80 वाला यूनिकनेस है। आमतौर पर आप बोलते हो 70 उसमें 80 इसमें, गलत। दोनों में 70, लेकिन यू में कौन सा, 80। अब ये 70 क्या है, 80 क्या है, ये सारी बातें हम आगे करेंगे, हमारा थर्ड लेक्चर होगा। राइबोसोम के बारे में बोला, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, प्रो और यू दोनों में होगा, मतलब दुनिया की हर सेल में होगा। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनवाना। कैसे बनवाते हैं ये हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, वहां पर डिटेल में राइबोसोम तुम्हारे सामने आएगा, यहां पर आएगा, हाँ लिटरली आएगा, बड़ा सा राइबोसोम आएगा, भले स्मॉलेस्ट है लेकिन मैं उसको लार्जेस्ट कर देता हूँ, पूरी क्लास को बता दूंगा सेल। तो राइबोसोम कहते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में भी है, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है। बस खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। बोलो भैया, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है तो छूने में ये रफ होगा या स्मूथ होगा? रफ। अगर राइबोसोम है, पहले बताओ ऊपर है कि अंदर है? गलत। दो में अंदर, एक में ऊपर। हाथ क्या, हाथ तो वैसे टेक लेने के लिए किया था। अगर दिख रहा है जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। सही से सुनियो मेरी बात, इनके अंदर है इन, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऑन। इसका काम प्रोटीन बनाना है। सबसे पहली बात सर, आप ये कह कैसे सकते हो कि हर सेल में पाया जाएगा? बेटा इसके बगैर सेल जिंदा ही नहीं रहेगी। पूछो कैसे, ये बताओ रिएक्शन चलनी जरूरी है या नहीं? तभी सेल लिविंग स्टेट में रहेगी। रिएक्शन चलाने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम। रिएक्शन को स्पीड अप कौन करता है, एंजाइम, एंड मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, और प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम। लॉजिक है यार भाई, सेल को जिंदा रखना है तो रिएक्शन चलानी पड़ेगी। रिएक्शन अगर चलानी है तो एंजाइम तुम्हें चाहिए, मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम। अगर प्रोटीन राइबोसोम बनवाएगा तो सीधी बात है राइबोसोम होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बोल दो भैया। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सेल की तरह ही डीएनए होता है। जैसे सेल के पास डीएनए है, इनका खुद का डीएनए है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए है। सर राइबोसोम भी है? हाँ बिल्कुल, इनके अंदर इनकी खुद की रिएक्शन चलती है। सेल का डीएनए तो इन्हें कंट्रोल कर ही रहा है,
अच्छा एक बात बताइए, इस जिले को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाँ, डीएम को कौन कंट्रोल कर रहा है? पीएम। बेटा अभी बाप भी नहीं बना हूँ, क्यों कह रहे हो डीएम को मैं कंट्रोल करता हूँ? बाप बनने से पहले मुक्ति मिल जाएगी हमें। आप सुनो मेरी बात, डीएम को पीएम कंट्रोल करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सीएम भी करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आईजी कहाँ कंट्रोल करेगा बेटा, पागल हो? पुलिस डिपार्टमेंट कंट्रोल, डीएम बेटा अपने जिले का सब है वो। अच्छा इस जिले में डीएम की ताकत ज्यादा कि पीएम की? कितने लोग डीएम कह रहे हैं भैया? इस जिले में डीएम की ताकत ज्यादा, इस जिला हिंदुस्तान में नहीं आता, और देश के पीएम की ताकत कम है। कितने लोग ऐसा मानते हैं, हाथ ऊपर करें? जो मान रहे थे वही सही था। अपनी अपनी जगह नहीं होती बेटा, वो अपनी जगह का बाप है। कानपुर का डीएम ठीक है, इज द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट इंडिया। कानपुर का वो राजा ही है, राजा मतलब किंग, मतलब जितना कानपुर की टेरिटरी है वो जो चाहेगा वो करेगा, अंटिल सस्पेंशन। और डीएम को सस्पेंड कोई ऐसे नहीं होता, डीएम को सिर्फ प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है, और प्रेसिडेंट को इतना टाइम नहीं होता कि वो एक जिले के डीएम को संज्ञानता मिले। तो अगर इस जिले में प्रेसिडेंट, अमेरिका के भी प्रेसिडेंट आना चाहें, इंडिया के प्रेसिडेंट आना चाहें, और डीएम ने मना कर दिया नहीं आ सकते हो, तो नहीं आओगे किसी भी कीमत पे। वो सीधे कह देते हैं सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, और जब सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे और तब भी आ गए तो वो खुद ही चलवा देगा। कहे रहे ना, तो उसे हम कहे रहे ना, ना मानिया ना, जा चला हो जाएगा। तो इस जिले में सबसे ज्यादा ताकत यहाँ के डीएम की है, पर ओवरऑल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ताकत पीएम की है। कहने को प्रेसिडेंट बोल लो, वैसे पीएम की है, ठीक। सेम यहाँ की कहानी है, क्लोरोप्लास माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे जिले हैं, जिन्हें कंट्रोल कौन कर रहा, वहां का डीएनए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, मैंने कहा क्लोरोप्लास से, अभी मैं कानपुर डीएम से कह दूं, ए लड़की ए, मैं अभी कानपुर डीएम से कह दूं, सर एक काम करो, आप यहां के सबसे ताकतवर हो ना, तो हम एक काम करते हैं सर, हम आपको एक देश घोषित कर देते हैं, अब आप चला लो कानपुर। नहीं चला लो कानपुर, क्या कानपुर चला पाएंगे? हाँ, आर्मी की जरूरत होगी, खाना पीना कुछ जरूरत होगी, बाहर से मंगाते हो क्या? सब तुम्हारे यही हो, ऐसे क्या बंद हो गया? हाँ ऐसे चला, ऐसे चला, पैसा पूरा लियो। डीजल तो बेटा हम ठंडी में फुकवाएंगे। हाँ सुनो हमारी बात, हम तुम्हें क्या कह रहे थे मैम, एक्चुअली मैं मेरे साथ प्रॉब्लम क्या ना बेटा, कि जैसे डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि अगर हल्का सा भी पसीना गिर जाएगा तो मेरी मौत हो जाएगी। तो वो चलेगा तो ठंडी में भी। अब सुनो इधर आओ, कह रहे हैं दिमाग हमारा मत घुमाओ, कह रहे हैं दिमाग हमारा मत घुमाओ, लेकिन घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, तो झेलो चलता रहेगा। हमें क्या, हमें तो एसी में पढ़ाने की आदत ही नहीं, हमें चाहे एसी दो चाहे मैदान में पढ़वाओ, लेकिन ना नाउ आई एम साहिल सिद्दीकी, ठीक है, विद अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, सो आई कांट, आई नीड ओनली हवाई। यस आओ, अब इधर सुनो, देखो जब होता क्या है, जब आप किसी व्यक्ति से बार बार, हमेशा हम्बलनेस से मिले, हवाई चप्पल और हाफ पैंट में आप कहीं भी चले जाएं, अगर आदमी आपको उससे जज करने लगता है ना, तो कभी कभी दिखा देना चाहिए हुआ है, कभी कभी नहीं समझे बात को, अगर हम्बलनेस को आदमी की कमजोरी समझा जाए तो ये बात गलत है। आओ अब मेरी बात सुनो, तो कानपुर में सब चीज की खेती नहीं होती है, उसे हिंदुस्तान सरकार से क्या लेनी पड़ेगी, मदद। जैसे आज अपन कहते हैं ना, जैसे मान लो अपन का ये कश्मीर हो गया, ठीक है, तो कुछ तो वहां पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई मेरे को एक अलग कंट्री घोषित कर दो। बेटा अलग कंट्री घोषित हो जाओगे खत्म हो जाओगे, 100% खत्म, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आपदा बहुत आती है। अरे लैंड स्लाइड, ये स्लाइड, वो स्लाइड, रोड लगा ही रहता है, पहाड़ आ गई, कभी कुछ आ गया, बोलो बेटा। तो वहां पर इतना ज्यादा ये सारी चीजें होती है, आर्मी तुम्हारे पास है नहीं, इतों से तो तुम हो, इत भाई इतो तुम्हारी पॉपुलेशन है, अगर तुम आर्मी भी खड़ी करोगे
ठीक है, तो तुम्हारी पूरी पब्लिक उसी में, पूरी पब्लिक है आर्मी रहेगी, बचाओगे किसको? नहीं समझे? अरे यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ना ऑन इंडिया, लाइक एवरी स्टेट, लाइक उत्तर प्रदेश, दैट लाइक कश्मीर, तो ये बिल्कुल वही है भाई साहब। ये इन माइटोकॉन्ड्रिया पर सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन कर रहा होगा? उसका खुद का डीएनए। लेकिन अगर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया से कहा चल तेरी इतनी हैसियत है भाई, चल सेल से बाहर निकल, करो हे भैया हेलो, बहुत कुछ हम सेल से भी लेते हैं, बोलो यार हमने कहा, एक कह रहे और एक बात और सुन लेना, हम ही एरोबिक रिस्पायरेशन करवा रहे हैं, अगर हम निकाले गए ना तो तुम्हारी सेल भी किसी काम की नहीं रहेगी, बोलो बेटा एनर्जी के लिए भूखो मरेगी। हमने क्लोरोप्लास्ट, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, करो हीरो रुक 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 रुक, प्लांट सेल है, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, हम हैं जो खाना बनवाते हैं, बावर्ची को निकाल दोगे तो तुम्हारा काम लग जाएगा। बोलो यार कितना खूबसूरत प्रकृति ने, भगवान ने कितना सुंदर रचा है, कितना सुंदर रचा है एक सेल को। इंसान की आज औकात नहीं वो एक सिंगल सेल बना पाए, एक सिंगल सेल ऑर्गेनेल नहीं बना सकते आप। सेल तो बहुत बड़ी बात हो गई, ज्यादा बोल रहे बेटा, थोड़ा सा नीचे आओ, नीचे आओ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना पाओगे यार, अबे जाओ तुम राइबोसोम बना के दिखा दो, हम मान जाएंगे। सेल अरबों वर्ष का एवोल्यूशन है, तब जाकर एक सेल का निर्माण हुआ, अ परफेक्ट स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट खाना बना रहा है, वो खाना माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया उसकी क्या कर रहा है? तोड़ाई। इधर सोचो, इधर इधर हो रहा है बनाई, इधर हो रहा है तोड़ाई, बोलो यार एक गजब की मशीनरी बनाई गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये ऑटोनोमस नहीं है, ऑटोनोमस कहने का मतलब होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र। जब आप एम्स ज्वाइन करते हैं तो एम्स आपका ऑटोनोमस कॉलेज है, एम्स का सिलेबस विल बी डिसाइडेड बाय एम्स, कोई एमसीआई फेमसीआई उसको ये नहीं बताएगी कि ये पढ़ाना है, ये पढ़वाना है, ये नहीं पढ़वाना है, उनका पूरा एक अलग सिस्टम ही है। एम्स हो गया, एमई हो गया, बीएचयू, दे आर ऑटोनोमस कॉलेज, इन्हें कोई, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इनका रिजल्ट रिजल्ट सब कुछ उनका होता है, उसमें एमसीआई का कोई रोल नहीं होता। उनका सीधा कहना होता है हम खुद बहुत बड़े हैं, तुम टेंशन मत लो, तो अपना काम करो, हम खुद संभाल लेंगे अपना कॉलेज। उसी प्रकार ये ऑटोनोमस नहीं है, ये सेम ही ऑटोनोमस है। कुछ काम ये खुद कर लेते हैं और कुछ काम के लिए किस पर डिपेंडेंट है? सेल पे। अब दूसरी बात सुनना, तो मैंने कहा दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बिकॉज सम ऑफ देयर फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाय देयर डीएनए एंड सम ऑफ देयर फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाय सेल्स डीएनए। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बोलो यार, आप सुनो मेरी बात, आपको पता है एक यूकैरियोटिक सेल बनी कैसे? पूछो कैसे बनी? एक थ्योरी है बहुत अच्छी, शायद तुम्हें ना पता हो, शायद तुम्हें ना पता हो। सबसे पहले धरती पर प्रोकैरियोट्स आए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग कम डेवलप्ड होंगे वो पहले आएंगे, जो ज़्यादा डेवलप्ड होंगे वो बाद में आएंगे। पक्का? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए। प्लीज़ सुनना, आपको पता है जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और सिंगल होता है, और राइबोसोम 70S होता है। कैसा है? 70S। ये मान लो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक। ये दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल है, ये भी प्रोकैरियोटिक है। प्लीज सुनना मेरी बात, हुआ क्या, एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये छोटी वाली सेल घुस गई। कैसे घुसी? समुद्र में लहरें शेक कर रही थी, तो हुआ क्या, सडनली एक सेल, एक बड़ी सेल के अंदर एक छोटी वाली घुस गई, और छोटी वाली कहलाई माइटोकॉन्ड्रिया। और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि एक फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल अंदर घुस गई होगी, वही क्या कहलाई? क्लोरोप्लास्ट। और इस तरीके से निर्माण हुआ एक यूकैरियोटिक सेल का। बोलो सर इसका क्या प्रमाण है? माइटोकॉन्ड्रिया में आज भी 70S राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट, दोनों का डीएनए सिंगल है और सर्कुलर है, हेंस प्रूव्ड ये कभी ना कभी एक प्रोकैरियोटिक सेल रही होंगी। क्या ये बात एकदम क्लियर है बेटा? अब कुछ बातें और होंगी हमारे आपके बीच। कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है और एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म है, ये बताओ परफेक्ट ऑर्गेनिज्म आप किसे मानेंगे? जिसका अपना खुद का अस्तित्व हो या जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो? जिसका खुद का अस्तित्व हो। जो सेल अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहता है, ठीक। तो देखो सीधी सी बात है, उस एक सेल को सारे वाइटल फंक्शन करने आने चाहिए, सारे, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो। अगर वो सारे वाइटल एक्टिविटी खुद करने में सक्षम है तभी वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। ये बात मैंने आपसे लास्ट चैप्टर में भी कही है कि एक सेल अगर अपने सारे फंक्शन कर सकती है, याद करो स्ट्रक्चरल कली की है कि एक सेल अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उस एक सेल को ही सारे फंक्शन करने पड़ेंगे। बोलो यार, अच्छे से नहीं करेगा क्या? हाँ, वो अपना फंक्शन बहुत बेस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन करना उस एक सेल को ही सारे फंक्शन पड़ेगा। हम लोगों में लेकिन ऑर्गन सिस्टम में बंटवारा हो गया। एनसीईआरटी लिखती है एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर से आपने कुछ भी कम किया, लो हटाओ, राइबोसोम हटा दो, कैंसिल, राइबोसोम कैंसिल। एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर में अगर आपने कुछ भी कम किया तो सेल क्या अकेली रह सकती है? नहीं, वो किसी दूसरी सेल पे डिपेंडेंट होगी। किसके लिए? उस फंक्शन के लिए जो चीज सेल से निकाली गई है। अगर सेल से आपने राइबोसोम निकाल लिया मतलब सेल प्रोटीन नहीं बना पा रही है। प्रोटीन बनाने के लिए इसे दूसरी सेल का क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? राइबोसोम। तो बोलो एनीथिंग कछू लेस देन कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर, फिर ये पक्का नहीं है। एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोई भी चीज अगर सेल के स्ट्रक्चर में नहीं है, कंप्लीट स्ट्रक्चर से कमी है, तो ये सुनिश्चित नहीं होता कि अब सेल इंडिपेंडेंटली रह पाएगी। क्या ये बात एकदम क्लियर है? अर्थात अब कंफर्म नहीं है कि सेल इंडिपेंडेंट रह पाए या ना रह पाए। बोलो भैया, मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर हटाया गया जैसे प्लांट सेल, उससे क्लोरोप्लास्ट हटा लो, तब तो कंफर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल से क्लोरोप्लास्ट निकाल दीजिए तो क्या एनिमल सेल को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। निकाल क्या दीजिए, निकला हुआ है उससे। इसी वजह से कहता है कि कुछ भी कंप्लीट सेल से निकालोगे तो अब ये कंफर्म नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट रहे या ना रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके गाइज, नाउ राइट डाउन राइबोसोम्स। कब नहाई थी आखिरी बार? सही बताना, झूठ नहीं, सही बताना, झूठ नहीं। हाँ, आज बल्बा में जुआ ऊपर से दिख रहा है। अभी आएगी बेटा, लिखवाऊंगी। अरबा गा, राइबोसोम हो गया। ये काश हम लड़की होते, कितना सही रहता है ना, खूब खाते फ्री का। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ पर देखो, जैसे होता है कहीं पर अगर लड़कियां होती हैं तो लोग लड़कियों से पेमेंट के लिए नहीं बोलते हैं। हम पहले दो चार लड़के भाई बना लेते हैं, लंबे चौड़े वाले सिक्योरिटी गार्ड, एक तरीके तो भाई नहीं होते, दे आर कॉल्ड सो कॉल्ड फ्री के सिक्योरिटी गार्ड्स। भाई क्या होता है, भाई भाई फर्जी बातें मत करो इधर। और एक चीज और है जो हम लोग जो नहीं होता, ये मैं बता रहा हूँ कि चार सिक्योरिटी गार्ड हो जाते मेरे और फिर मैं खाता, अरे बहन मैं दे रहा हूँ। हाँ दे दे, इधर मेडिकल कॉलेज जाने दे, नंबर चेंज। बहुत खाते कसम से, रोज सुबह सुबह उठते ही पता है आज मेरा हेडेक इतना ज्यादा हो रहा है यार, वो मेरे लिए चाय पैक करा ले। हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। और क्या, सीधी सी बात है, सब भाई होते क्लास का टॉपर छोड़ के अरे मतलब वो बड़ा भाई होता लिखो 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 लिखो, अरे क्योंकि जो क्लास का टॉपर वही अभी बीएड निकालेगा, बीएड निकालेगा, पीजी करेगा, पीजी करेगा, पैसे कमाएगा, अस्पताल बनाएगा, मैं बैठ के खाऊंगी लिखो लिखो राइबोसोम हो गया पहला। नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, बहुत दिव्य विचार है मेरे,
स्मॉलेस्ट लड़कियों को इस समय सलाह मिल चुकी है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। एक बार तुम्हारी ऐसी मैम के बर्थडे, तुम्हारी मैम गुरु माता के बर्थडे, कहीं कुछ गिफ्ट नहीं दिए? हमने कहा साहिल सिद्दीकी अपने आप में सबसे बड़ा गिफ्ट है आपको। अरे उसके बाद भेजती तो सुना इधर, पता क्या कहीं कहीं गिफ्ट नहीं, तुम टॉर्चर हो। कहीं गिफ्ट नहीं, तुम टॉर्चर हो, टॉर्चर। लिखो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, सीधा साधा पति है, लिखा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, हो गया। अगला, दे आर प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दे आर प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ भाइयों बहनों, आपने सही सुना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, सो दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना नहीं है, लगाना है, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, मतलब एक ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल है। दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ईआर, दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ईआर, मेकिंग देयर सर्फेस रफ, एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल, एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल। फुल स्टॉप लगाने का कष्ट कीजिए, लगाया भैया, लिखो ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, बड़े आए, सेल ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट, विदाउट लिखे, विदाउट मारिस, विदाउट हो गया। लिखो सेंट्रियोल कॉमा सेंट्रोसोम, एक और बताओ, अरे खुद राइबोसोम, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम राइबोसोम, लिखा सेंट्रियोल सेंट्रोसोम राइबोसोम, हो गया। लास्ट नोट पॉइंट, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड अब्सेंट इन ऑलमोस्ट, सभी नहीं लगभग सभी, इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। ये बताओ अलग अलग सेल का शेप कैसा होगा, अलग अलग शेप पता किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे। याद करो मैंने कहा था न्यूरॉन लंबी लंबी है, क्योंकि न्यूरॉन को पूरी बॉडी क्या करनी पड़ती है, कवर। सेल मॉडिफाई देयर शेप, ऊपर सेल अपना शेप मॉडिफाई करती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब बोल्ड की तरफ देखना, इधर कुछ सेल के साइज है जो आपको दिमाग में रखना है, अभी लिखिएगा नहीं पहले देखिएगा। टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल मतलब क्या, आइडियल, एक से दो माइक्रोमीटर, ठीक। अब आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायग्राम में साला एक से दो लिखा है और लिखावट में लिखा तीन से पांच, पांच बेटा पांच, अगर ये एक से दो है तो जरूरी नहीं वो तीन से चार ही करें, वो है ना तीन से पांच। तो अब बहन सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि हम किसे सही माने। एक्चुअली मैं इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझिएगा, आमतौर पर इंडियंस की हाइट होती है 5 फीट 6 इंच, 5-6 आम, मतलब ये नॉर्मल हाइट है इंडिया की, ठीक है इंडिया में, हर जगह अलग अलग है ना भाई, इंडिया में नॉर्मल हाइट मानी जाती है 5 फीट 6 इंच। कितनी बिटिया की है 5-6, 5-6 किसकी है, तुम्हारी 5-6 पाँच है ना, वो हम कह रहे हैं 5-6 तो कह रही हमारी है, हमें कितनी कह, 5-6 मतलब 5 फीट 6 इंच हाइट किसकी है पूरी क्लास में, तुम्हारी है। लड़कों में कितने की है, मेरी कितनी होगी, 5 ना, सो कहते हैं 5 फीट 6 इंच हाइट इंडिया में आइडियल है। ऐसे देखी जाए तो मेरी 5-9 है, तो बताओ बताओ इधर
छाती चौड़ी होने की वजह से हाइट पता नहीं चलती है, इसलिए मैं छाती ऐसे करके चलूँगा ताकि लंबा देखूँ। पाँच, मेरी 5-9 है। अगर इंडिया में 5-6 आइडियल है तो मेरी 5-9 कैसे? अरे भाई, एक मैंने आइडियल बताया, 5-9 तक हो सकती है, 5-10 तक हो सकती है, 6 फिट हो सकती है, 6-10 हो सकती, बोलो यार। तो कह रहे 1-2 आइडियल वाले हैं, मैक्सिमम बैक्टीरिया 1-2, लेकिन ये जा सकते हैं कितना, 3-5। खत्म, ओवर एंड आउट। पीपी ले लो, अरे प्लूरो नमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बीच में डॉट लगाओ बस, 0.1। इधर देखिएगा प्लीज, माइको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल पूछा जाए एग्जाम में, आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। प्लीज स्टूडेंट्स, ऑल द गाइस एंड एसेस, गौर से देखिएगा मेरे एम को, एम को बस हल्का घुमाया, 0.3 माइक्रोमीटर। ट्रिक हमेशा ऐसी बनाइए कि एग्जाम में पेपर में वो आपको दिख जाए, और तुम एग्जामिनर से खुद कहो ये क्यों दिया है, इससे तो मैंने आंसर पकड़ लिया। इसके बाद आरबीसी, एक पिक्चर आई थी, नाम सुना होगा, 7 खून माफ, उसका नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि ब्लड का पीएच भी 7 होता है और आरबीसी का डायमीटर भी 7, 7 माइक्रोमीटर। रेडियस नहीं है बेटा, डायमीटर है, ध्यान रखना एग्जाम में। क्या है बेटा? डायमीटर। ऊपर ऊपर लिखो मत, मेरी बात सुनो। आपने कभी नोटिस किया है? इधर बेटिया, आप में से कितने लोग अपने आप को मानते हो कि आप फाइनेंशियली, आपका हिसाब किताब बहुत सही रहता है, मतलब कि आपको जितने पैसे मिलते हैं आप बिल्कुल सही से यूटिलाइज करते हो, आपका पैसा बर्बाद नहीं होता, कितने लोग मानते हैं ईमानदारी से? ईमानदार हाथ ऊपर। कहते लोग मानते कि नहीं सर, पैसे का होश नहीं रहता, तो कुछ इधर दे दिया करो भैया। लड़कों, कितने लोग अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल मानते हो? चले हम नहीं हैं तो तुम कहाँ से हो जाओगे? कितने लोग मानते कि नहीं सर, फाइनेंस हमारा गड़बड़ हो जाता है, हमको होशा नहीं रहता है, होशा नहीं रहता है। और वैसे भी हम कोचिंग से जब पैसा लेते हैं तो हम कभी गिनते नहीं, मेरी आदत ही नहीं गिनने की, तो जब मैं पैसा लेता हूँ मैं सीधे लेता हूँ, सीधे जेब में डालता हूँ, और ये चीज़ पूरी कोचिंग जानती है। अब हम समझ गए कि साले 4-5 गड्ढे नीचे सटाते होंगे, पक्का है 4-5 नोट कम। इधर बेटा, जब महीने में 1 तारीख को पैसा आता है तो लड़कों से बड़ा राजा एलेक्जेंडर ने क्या किया होगा? याशी पिज्जा आ रहा, ये आ रहा, सब कोल्ड ड्रिंक, मतलब उसी दिन मुर्गा उर्गा सब बनता, लगता है जैसे सैलरी आ गई हो। और जब महीने की 15 तारीख को उधार, अगला जो 1 को पैसा आएगा उससे पिछला वाला निपटाएंगे, बोलो बेटा। कुछ लड़के बहुत लकी होते हैं, उनके इनकम के और भी सोर्सेस हैं। जो लोग फाइनेंशियली बेटर होते हैं, वो उनसे पैसे ले लेते हैं, है ना? इधर अब मेरी बात सुनो, इधर। और 15 तारीख के बाद बेटा 10-10, 20-20 रुपए के लिए लौंडे मार कर लेते हैं, यू कैरी ऑट 10-10, 20-20, 10-20 माइक्रोमीटर, यू कैरियोटिक सेल। आइडियल वाले की बात हो रही है, कितना बेटा? 10-20। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? लड़को, 15 तारीख तक हम लोग जिसको जो चाहिए बताओ भाई, दिला रहा हूँ, 15 के बाद लूट हो जाती है भाई। इधर 10-20। अच्छा, एक बड़ी ताजुब की बात बताएं, गर्ल्स हॉस्टल में चोरियाँ ज़्यादा होती हैं इन कंपेरिजन टू बॉयज वाले में, चोरी होती है। बॉयज वाले बता दे, सुना तोरे 500 देके रहे, उठाए ले अगला महीना दे, ठीक है? ये क्या तरीका होता है? खर्चा होगा, आप बताओ क्या करी। लड़कियों के होटल में चोरियां होती हैं भाई, ये जितने नहीं वाले ये सारे खुद ही चोर हैं, ये फैक्ट है, फैक्ट है बेटा। 10-20 कर लिया। अच्छा ये बताओ, आपको पता है कभी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए किसी भी स्पीसीज को लेकर कि सबसे बड़ी सेल कौन सी, तो हमेशा बोला करो फीमेल गैमेट, सबसे बड़ी सेल हमेशा फीमेल गैमेट ही होगा। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी सेल भी ऑस्टेज का अंडा है। ऑस्टेज का नाम सुना बेटा? छोटा सा खिलाते होगे? अच्छा लिखो, लार्जेस्ट सेल ऑस्टेज एग, लॉन्गेस्ट नहीं बोला, पटक देंगे अभी यहीं पे,
Yeah, large means by volume. मैं इंग्लिश हूँ. नर सेल बोनी या लंबी? वाओ कितना नॉलेज है. वायरस का लिख लेना 0.02 से 0.2. वीरू साहस्त बुद्धि का. लिखो 7 माइक्रोमीटर डायामीटर. वायरस का 0.02 से 0.2. यू कैरियोट्स वाले 10-10 20-20 रुपए के लिए लड़ते हैं. बताओ 10-10 20-20. यहां से एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा. एक बार पूरा यहां तक 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए.